प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के एक नए लेसन के साथ, पार्ट टू, लेसन नंबर 9, व्हाट प्रॉब्लम्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उम्मीद है बच्चों आप इस वीडियो को गौर से सुनोगे, देखोगे और समझोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एंड MCGM प्रेजेंटेशन। वेलकम टू ऑनलाइन वर्चुअल क्लास और मैं हूँ आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए आज सीखते हैं स्टैंडर्ड 4th के मैथ्स का पार्ट टू, लेसन नंबर 9, वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज बच्चों हम एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज, प्रियंका बॉट बुक्स वर्थ रुपीज 245 एंड नोटबुक वर्थ रुपीज 178, हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। प्रियंका ने बुक खरीदी 245 की और नोटबुक खरीदी 178 की, तो टोटल उसने कितना खर्च किया। याद रखिए बच्चों, हमेशा जब भी अगर क्वेश्चन में आपको ऑल टुगेदर टोटल अमाउंट पूछा गया तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे एडिशन का मेथड यूज करना है। ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए, तो टोटल मालूम करना है तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं गिवन। गिवन यानी के जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आस्क्ड यानी क्या पूछा गया है, हमें क्या मालूम करना है, फाइंड करना है, और हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं जो हमें यहाँ पे कीमतें दी गई हैं, बुक्स वर्थ रुपीज 245 और नोटबुक्स वर्थ रुपीज 178। उसके बाद आस्क में हम ये क्वेश्चन लिखते हैं जो हमें मालूम करना है, हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, एडिशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिशन करने की। सबसे पहले कीमत उतारेंगे हम बॉक्स में, जो बड़ी कीमत है उसे ऊपर, जो छोटी कीमत है उसे नीचे। बुक्स नोटबुक्स की कीमत हमने उतार ली, अब एडिशन शुरू करते हैं। 5 प्लस 8 13, 3 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, यूनिट का 12 नीचे और 1 आएगा टेंस का ऊपर, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4, आंसर आ गया 423। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे, प्रियंका स्पेंट रुपीज 423 ऑल टुगेदर, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन का एक सम करते हैं, जोसेफ बॉट टेबल्स वर्थ रुपीज 6350 एंड चेयर्स वर्थ रुपीज 3800, हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट देन द चेयर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जोसेफ ने 6350 के टेबल्स और 3800 के चेयर्स खरीदा, तो टेबल की कीमत चेयर्स की कीमत से कितने ज्यादा रुपए है, हमें ये मालूम करना है, ठीक है। तो जब भी हमें कितना बाकी बचा, हाउ मच रिमेन्स लेफ्ट, रिमेन लेफ्ट, या किसने किसकी कीमत किससे कितनी ज्यादा है, दो कीमतों में डिफरेंस मालूम करने के लिए कहा गया, तो फौरन हमें सब्ट्रैक्शन के मेथड का यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो हमें यहाँ टेबल और चेयर्स की कीमत दी हुई है, हम वो नीचे उतारते हैं, ठीक है, टेबल्स और चेयर्स की कीमत। आस्क्ड जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो मालूम करना है, हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट देन द चेयर्स, और मेथड हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगर वन ऊपर, द स्मॉलर वन नीचे, टेबल्स और चेयर की हमने यहाँ कीमत उतार ली। अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, जीरो में से जीरो माइनस किए जीरो, फाइव में से जीरो माइनस किए फाइव,
थ्री में से एट माइनस करना है, नॉट पॉसिबल, तो हम बाजू में से वन लेते हैं। सिक्स में से हमने यहाँ पे वन लिए तो यहाँ पर हो गया थर्टीन, ठीक है। थर्टीन में से एट माइनस किए फाइव, और यहाँ पे सिक्स में से वन यहाँ चला गया तो यहाँ बचा फाइव, फाइव माइनस थ्री टू, द आंसर इज 2,550 रुपीज। अब हम इसे वर्ड प्रॉब्लम में आंसर लिखेंगे, रुपीज 2,550 मोर टेबल कॉस्ट देन द चेयर्स, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन का, अब इसमें का एक और सम। इन अ सेंसस टेकन इन 2001 द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 62,947, द सेंसस ऑफ द ईयर 2011 लिस्टेड द पॉपुलेशन एज 74,405, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम। 2001 के सेंसस यानी मर्दुमशुमारी में पॉपुलेशन गांव की थी 62,947 और 2011 में थी हो गई 74,405, तो इन 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम। सबसे पहले हम गिवन लेते हैं, तो जो नंबर्स हमें दिए गए हैं 2001 और 2011 की पॉपुलेशन वो हम लिख लेते हैं। आस्क में हमको जो मालूम करना है हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज, कितनी बढ़ी पॉपुलेशन, वो लेते हैं, और मेथड में हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं ना, हमें दोनों में डिफरेंस मालूम करना है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो बिगर नंबर है वो आता है ऊपर और उसके बाद स्मॉलर नंबर, इनकी माइनस करते हैं। फाइव में से सेवन माइनस करना है, नहीं होता, बाजू में से वन लेते हैं, बाजू में भी जीरो है तो हम उसके बाजू के नंबर से एक वन उधार लेते हैं। फोर में से यहाँ पे वन आ गया तो यहाँ हो गया टेन, ठीक है। अब टेन में से वन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पर हो गया फिफ्टीन और यहाँ पर हो गया नाइन। अब फिफ्टीन में से सेवन माइनस करते हैं, हो गया आंसर आया एट। नाइन में से फोर माइनस करते हैं, आंसर आया फाइव। अब यहाँ पे फोर में से वन वहां चला गया तो यहाँ पे कम हो जाएगा थ्री। अब थ्री में से नाइन माइनस नहीं होता, देन व्हाट विल वी डू, हम बाजू से एक लेते हैं, बाजू से एक लिए यहाँ पर हो गया थर्टीन और यहाँ पर हो गया थ्री। थर्टीन में से नाइन माइनस करते हैं, द आंसर इज फोर। थ्री में से टू माइनस करते हैं, द आंसर इज वन। सेवन में से सिक्स माइनस करते हैं, द आंसर इज वन। तो हमारा आंसर आता है 11,458। इट मीन्स हम इसे कैसे लिखेंगे कि 11,458 पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मेथड यूज करना है, वो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। रोहन स्पेंट रुपीज 27,658 फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स एंड रुपीज 16,478 ऑन अ प्रिंटर एंड स्कैनर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स कॉस्ट एक्स्ट्रा। रोहन स्पेंट अ टोटल रुपीज 47,000, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इसे हम अच्छी तरह समझने के लिए पिक्चर्स का यूज करते हैं। रोहन के पास, रोहन ने टोटल 47,000 रुपीज खर्च किए। किस पर खर्च किए? कंप्यूटर्स के लिए उसने 27,658 रुपीज खर्च किए, प्रिंटर और स्कैनर के लिए उसने 16,478 रुपीज खर्च किए। तो हमें ये पता करना है कि उसने पैकिंग के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए कितने रुपए खर्च किए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कंप्यूटर और प्रिंटर की प्राइसेस को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं एडिशन, और उसको हम टोटल 47,000 में से माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो हमें पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा पता चल जाता है। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे,
गिवन में देखिए तो जो भी कीमतें हमें ऊपर दी गई है, कंप्यूटर्स की, प्रिंटर की और टोटल, वो कीमत हम यहाँ लिखते हैं। अब हमें क्या पूछा गया है, आस्ट, तो जो क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये हम लिखते हैं। और मेथड में हम पहले करेंगे एडिशन, देयर आफ्टर वी विल डू सब्ट्रैक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं एडिशन से। सबसे पहले हम प्रिंटर और कंप्यूटर्स की प्राइस को ऐड करते हैं। 8 + 8 = 16, 1 कैरी, 5 + 1 = 6, 6 + 7 = 13, 3 carry 1, 6 + 1 = 7, 7 + 4 = 11, carry 1, 7 + 1 = 8, 8 + 6 = 14, 14 ka 4, carry 1, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। इट मीन्स रोहन ने कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए 44,136 रुपीस खर्च किए। अब हम क्या करेंगे, जो रोहन ने टोटल रुपीस खर्च किए 47,000, उसमें से हम उसने इन दोनों के लिए जो खर्च किए उस टोटल अमाउंट को माइनस करते हैं। माइनस करना स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। जीरो में से सिक्स माइनस नहीं होगा, बाजू से लेते हैं। बाजू वाले के पास भी जीरो है, उसके बाजू से लेते हैं, वो भी जीरो है, तो हम सेवन में से कैरी करना शुरू करते हैं। सेवन में से हमने वन यहाँ पे लिए, ये हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, सेवन में से वन क्या, तो यहाँ पे बचा 6। अब इस 10 में से हम इस जीरो में वन लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 10। और अब इस 10 में से 1 चला गया, तो यहां बचा 9। अब हम क्या करते हैं, इस 10 में से फिर से 1 यहां पे लेते हैं, तो यहां पर हो जाता है 10 और फिर यहां पे बच जाते हैं 9। 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 में से 3 माइनस किए 6, 9 में से 1 माइनस किए 8, 6 में से 4 माइनस किए 2 एंड 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 0। तो आंसर आया 2,864। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे। रुपीज 2,864 ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक और सम सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन इज, ललिता बेन डोनेटेड 75,000 रुपीज टू अ हॉस्पिटल। रुपीज 47,500 वर यूज्ड फॉर इक्विपमेंट एंड रुपीज 18,240 वर यूज्ड फॉर मेडिसिन। हाउ मच मनी स्टिल रिमेन्स। ललिता बेन ने हॉस्पिटल के लिए 75,000 डोनेशन दिया, जिसमें से हॉस्पिटल वालों ने 47,500 इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए और 18,240 मेडिसिंस के लिए खर्च कर दिए। हाउ मच मनी स्टिल रिमेन, तो अभी भी कितने रुपए बाकी बचे। अब यहाँ पे पूछा गया है स्टिल रिमेन, है ना, तो हमें माइनस करना है, लेकिन हमें पहले प्लस करना होगा एडिशन, उसके बाद हम माइनस करेंगे, तब हमें कितने बाकी पैसे बचे वो पता चलेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर कीमतें दी गई है प्राइजेस, हम वो तीनों प्राइजेस नीचे लिख लेते हैं गिवन में। डोनेशन, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन के लिए कितना खर्च हुआ हमने वो लिख दिए। आस्ट, आस्ट में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं। हाउ मच मनी स्टिल रिमेन्स, और उसके बाद मेथड में लिखते हैं पहला एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो इक्विपमेंट्स और मेडिसिन के लिए खर्च किए उन दोनों को हम एडिशन करते हैं, उनका ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। चलिए 0 + 0 = 0, 0 + 4 = 4, 5 + 2 = 7, 7 + 8 = 15, 5 नीचे 1 ऊपर,
4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6. It means total abhi tak ke equipment aur medicines ke liye kharch hue 65,740 rupees. अब हमें क्या करना है, जो ललिता बेन ने टोटल डोनेशन दिए थे 75,000, उसमें से ये दोनों के लिए जो खर्च हुए टोटल रुपीस 65,740 रुपीस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, जीरो में से जीरो माइनस किए. ओके, अब देखिए यहाँ पे फाइव में से, यहाँ पे जीरो में से फोर, जीरो में से सेवन नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, फाइव में से यहाँ पर वन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है टेन. फाइव में से वन गया फोर. अब टेन में से यहाँ पर वन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है टेन और यहाँ पर हो जाता है नाइन. अब एडिशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए, जीरो माइनस जीरो जीरो, टेन माइनस फोर सिक्स, 9 माइनस सेवन टू, 4 माइनस फाइव. अब 4 में से 5 माइनस नहीं होता है, देन व्हाट विल वी डू, हम 7 में से एक यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो जाएगा 6. 14 माइनस फाइव 9, 6 माइनस सिक्स 0. द आंसर इज 9,260 रुपीज. तो हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, रुपीज 9,260 स्टिल रिमेन्स, यानी पूरा खर्चे के बाद में 9,260 रुपीज अभी भी बच गए. ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया रहेगा. इसके दूसरी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और उसे अच्छे से हल कीजिए. ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में मैथ्स के एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज. उम्मीद है बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई रहेगी. इसे बेहतर समझने के लिए आप इसमें दी गई दिगर तमाम मश्क हल करोगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.